तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने मोहम्मद आमिर के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो अब टीम में वापसी करेंगे। शाहिद अफरीदी से समा टीवी पर सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद आमिर की अब टीम में जगह बनती है और वो दोबारा वापसी करेंगे। जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब मोहम्मद आमिर सेलेक्टर्स के प्लान में आते हैं, क्योंकि सेलेक्टर्स नया टैलेंट ट्राई करना चाहते हैं और उनके पास कई बॉलर्स हैं और बहुत से अच्छे लड़के भी बेंच पर मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इनके नए लड़कों को छोड़कर मोहम्मद आमिर को अब ट्राई करना चाहेंगे। दोस्तों, इस बारे में आप सबकी क्या राय है? क्या मोहम्मद आमिर को दोबारा से पाकिस्तानी टीम में मौका देना चाहिए या फिर नहीं? मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आजकल को, और अगर आप मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।